वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। होशंगाबाद से अब बढ़ते हैं आगे, आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि वहां से हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। राष्ट्रपति शासन हालांकि वहां लागू है, लेकिन इसी बीच सरकार बनाने के प्रयासों के मद्देनजर आपको ये बता दें कि पहली बार यहां पर सियासत करवट लेती नजर आ रही है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनकी साझा बैठक हुई है। 48 घंटों के महामंथन के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इस ड्राफ्ट में किसानों की लोन माफी, फसल बीमा, बेरोजगारी, छत्रपति शिवाजी महाराज और बीआर अंबेडकर मेमोरियल समेत कई मुद्दों को जगह दी गई है। इस ड्राफ्ट को सभी पार्टियां अपने अपने अध्यक्ष के पास भेजेंगी, जहां आखिरी मोहर इस पर लगाई जाएगी। तो ये बड़ा डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र से इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय चाहे कांग्रेस से अहमद पटेल या फिर शरद पवार या उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जब अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टी एक साथ आकर सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में समय लगेगा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने को लेकर। तो इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक सहमति बन गई है, अब अध्यक्षों को भेजी जाएगी ताकि इस पर अंतिम मोहर लग सके। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार को लेकर इस बीच एक बड़ा पेच भी है, और ये पेच है दरअसल शिवसेना की छवि को लेकर। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, कट्टर हिंदुत्व की जो छवि है शिवसेना की, उसे लेकर असमंजस की स्थिति अभी कांग्रेस और एनसीपी में बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि शिवसेना को अपने कट्टर हिंदुत्व की छवि को बदलना होगा। सोनिया गांधी से बात करने के लिए दिल्ली आएंगे शरद पवार, 17 या 18 नवंबर को दोनों की अहम मुलाकात हो सकती है। तो यही वो पेंच था जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि जो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी है उसमें सहमति कैसे बनेगी, और कांग्रेस पार्टी क्या शिवसेना के साथ आने के लिए तैयार होगी, क्योंकि पोल अपार्ट दोनों की सोच है। लेकिन अब यहां पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है, सूत्रों से जानकारी जो हमारे पास है, कि शिवसेना अपने कट्टर हिंदुत्व की छवि को कम से कम जब तीनों एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं तो बदले। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।